जनपद बिजनौर की नजीबाबाद विधानसभा 17 से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी श्रवण कुमार कई मुद्दों के साथ लड़ेंगे चुनाव। जी हां, आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी श्रवण राजपूत ने कई मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने का किया दावा। यूपी उत्तराखंड न्यूज से वार्ता कर उन्होंने साझा किए कई मुद्दे। श्रवण राजपूत ने बताया कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली माफ की है, पानी फ्री किया है, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई और सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं, वे बेरोजगारी भत्ते को लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में इसी तरह से कार्य करेगी। श्रवण राजपूत का साफ कहना है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को जिताती है तो आम आदमी पार्टी यूपी में ऐसे ही कार्य करेगी जैसे दिल्ली में किया है। इसी के साथ माय नोटरी विंग के जिला अध्यक्ष अबरार अहमद ने जनता से अपील की है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, स्कूल की पढ़ाई को देखते हुए, अस्पतालों में अच्छे इलाज को देखते हुए, वे बेरोजगारी को देखते हुए अपना प्रत्याशी चुने, वे अपना कीमती वोट दें। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए आप देख रहे थे नजीबाबाद से मोहम्मद अरहान की ये खास रिपोर्ट। जी हां, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त नजीबाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर खड़ा हूं। तो यहां पे जो आम आदमी पार्टी से जो यहां पे प्रत्याशी हैं वो श्रवण कुमार जी हैं। तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है चुनाव लड़ने का, उन्होंने मुद्दा किसानों का उठाया है, उन्होंने बिजली के बिल का उठाया है, उन्होंने अस्पतालों का मुद्दा उठाया है चुनाव लड़ने के लिए। जी हां, मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। तो मैं उनसे बात करूंगा कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनसे बात करूंगा कि उनके मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने के, और अगर नजीबाबाद की जनता उन्हें जिताती है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे। तो मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आपको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है, तो आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं श्रवण राजपूत, 17 विधानसभा नजीबाबाद आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूं, और केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे पर आभार प्रकट किया है कि आप जाके वहां से लड़ो। जिस तरह हमारी सरकार केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है, चिकित्सा, स्कूल और 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता, उठा भी यूपी में आज ही हमारे जो यहाँ के प्रभारी है संजय सिंह जी, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो है स्थानीय मुद्दे भी हमारे शामिल हैं इसमें। अच्छा सर, जैसे कि अभी जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया है कि जो आम आदमी पार्टी का चलता चला आ रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी गरीबों को, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि किसी को कोई भी यूनिट बिजली की फ्री नहीं दी जाएगी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कोई ऑर्डर नहीं आया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के वादे जो है वो लाभान्वित वादे जो है करे ना जाए, परंतु जब सरकार जो है बड़े रईस आदमियों को 20 करोड़ रुपए का यूनिट माफ कर सकती है, करोड़ों रुपए की उन्हें सब्सिडी दे सकती है, तो एक आम गरीब आदमी को क्यों नहीं सब्सिडी दी जा सकती है? और उसका जो हक है, जो कि मेन जो तीन मेन हक है उसके, चिकित्सा सड़क और स्कूल और बिजली पानी, ये जो है आमभूत जो है मुद्दे हैं आम जनता के, तो ये तो सबके लिए सुविधा के अनुसार फ्री होने चाहिए। अच्छा सर, चुनावी माहौल चल रहा है और क्षेत्र की जनता आपकी लोकप्रिय भी है, तो जनता से चुनावी माहौल में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि वो स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को जो है कि चुनाव निशान झाड़ू पर मोहर लगाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र नजीबाबाद विधानसभा को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है मिली थी, जो कि अखिलेश सरकार ने घोषणा करी थी, और उसके विधायक ने पता नहीं किन कारणों से वो मेडिकल कॉलेज बिजनौर पहुंच गया है, जिससे कि जो नजीबाबाद विधानसभा की जनता है वो त्रस्त है। और पिछले 10 सालों में यहाँ के विधानसभा के MLA साहब हैं, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करा है, और ना तो यहाँ कोई मिनी स्टेडियम है, कोई ना लड़कियों का सरकारी स्कूल है ना। जी, आपका नाम? मेरा नाम अबरार अहमद है, मैं जिला बिजनौर माइनॉरिटी विंग का जिला अध्यक्ष हूँ।
अबरार भाई, चुनावी माहौल चल रहा है तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करेंगे या मतलब चुनावों को लेकर क्या रणनीति तैयार की है आपकी पार्टी ने? देखो, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता जो है मुद्दों पे वोट करे। जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं को पेंशन देना, बसों में किराया फ्री, ये सब देख करके, अपने बच्चों के भविष्य को देख करके कि हमारी पार्टी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन पार्टी सही है, इसको देख करके वोट करें।